वेलकम टू एवरीवन। जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको सॉल्व जो करनी है गॉश एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करनी है। तो ये मेथड हम बता चुके हैं और इससे रिलेटेड दो क्वेश्चंस बता चुके हैं जो कि इजी इजी क्वेश्चंस थे। अब जो आंसर आएगी वो पॉइंट्स में आएगी। तो पॉइंट्स वाले जो है क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। तो डरने की बात नहीं है, अगर कभी एग्जाम में पॉइंट्स भी आते हैं आपके आंसर तो वो सही होती है, ठीक है। तो कैसे होगा देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है, ओके। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो वो हम देखते हैं। और रही बात, मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिए एंड फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी पढ़ सके, ठीक है। तो चलिए इसका देखते हैं सॉल्यूशन किस तरीके से होता है। सबसे पहले क्या लिखते हैं, वी हैव गिवन लिखते हैं, ठीक है। वी हैव गिवन क्या दिया हुआ है हमारा, ये दिया हुआ है, ठीक है, जो कि लीनियर इक्वेशन है। तो तीन लीनियर इक्वेशन है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1, 2, 3 करके हम लोग कंसिडर कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ जो हमारा इक्वेशन है ये हमारा दिस वन दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, एलिमिनेट जब करते हैं तो एलिमिनेशन जो यहाँ से करते हैं, ठीक है, इस तरीके से एलिमिनेशन यहाँ एक्स, यहाँ से एक्स एलिमिनेट कर देते हैं, एक्स वाई जेड का ही वेरिएबल दिया हुआ एलिमिनेट कर देते हैं। तो एलिमिनेट करना इजी कब होता है, जब ये हमारा कॉन्स्टेंट टर्म 1 में जब आ जाता है ना, तो जैसे 1x हो गया और यहाँ पे 2x है, तो 2x को इजीली एलिमिनेट कर पाएंगे कब, जब यहाँ पे 1x हो जाएगा, ठीक है। तो 1x हो जाएगा मतलब यहाँ पे देखिए, जो ये इक्वेशन में हम लोग करेंगे क्या करेंगे कि ये 2x और यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 2 और फिर हम लोग ये वाला टर्म तो भी इजीली हो जाएगा यहाँ से एलिमिनेट। इस तरीके से यहाँ 5x रहेगा तो हो जाएगा, बट यहाँ पे अगर 2x रहा, ठीक है, फर्स्ट में अगर 2x रहा और यहाँ पे x रहा तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा यहाँ से एलिमिनेट करना, ठीक है, थोड़ा दिक्कत होती है। इसीलिए हम लोग देखे होंगे कि इसे सेमेस्टर 3 या सेमेस्टर 2 में हम लोग मैट्रिक्स पढ़ रहे थे, मैट्रिक्स वाले टर्म्स में यहाँ पे 1 होता था फिर 0, 0 इस तरीके से होता था और यहाँ पे 2 फिर यहाँ पे 1 फिर यहाँ पे 0 इस तरीके से होता था ना मैट्रिक्स का फॉर्मेशन। तो ये जस्ट लाइक अ मैट्रिक्स की फॉर्मेशन में ही है, ओके। सेकेंड मेथड से इसको बना सकते हो बट वो मेथड बनाएंगे एग्जाम में मेथड से तो फिर मार्क्स मिलने के बहुत कम चांसेस है। मैट्रिक्स से नहीं बनानी, यहाँ पे गॉस एलिमिनेशन मेथड से बनानी। तो वी हैव गिवन हमारा ये दिया हुआ, तो देख पा रहे हैं यहाँ पे जो है वो 1 है ना, यहाँ पे 1 है हमारा, देख पा रहे हैं एक्स है सिर्फ, तो एक्स मल्टीप्लाई विथ 1 दिस इज एक्स है ना। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि चेंज कर सकते हैं, ये रो 1 और रो 2 को एक्सचेंज कर सकते हैं, क्लियर। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे ना, सबसे पहले हम रो 1 और रो 2 को एक्सचेंज करके डायरेक्टली लिख लेंगे, एग्जाम में डायरेक्टली एक्सचेंज करके लिख लीजिएगा। यहाँ पे लिखिएगा x -3y -z दिस इज इक्वल टू क्या है, -30 है, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेंगे। उसके बाद इक्वेशन 2 जो है वो 5x -y -2z दिस इज इक्वल टू 142, इसे इक्वेशन 1 कंसीडर कर लीजिए, इसे इक्वेशन 2 कंसीडर कर लीजिए एंड 3 जो है वो एज इट इज ऐसे ही रहेगा जो हमारा दिया हुआ था, ठीक है। दिस इज क्या है 5, इक्वेशन 3, समझ में आई बात। यहाँ पे अगर 1 रहता है तो इजीली हमारा हो जाता है यहाँ से एलिमिनेट, इसीलिए यहाँ पे 1 रहना जरूरी हो जाता है, ठीक है। देन अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एलिमिनेट करनी है एक्स वाले वेरिएबल्स के वैल्यूज एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे नाउ द वैल्यू ऑफ एक्स जो है कैन बी एलिमिनेटिंग, कैन बी एलिमिनेटिंग फ्रॉम इक्वेशन 2 और 3 से, है ना, 2 और 3 से एलिमिनेट करेंगे बाय परफॉर्मिंग, क्या परफॉर्म करवाएंगे, तो देखिए परफॉर्मिंग जो करवाएंगे वो 2 में क्या करवाएंगे, 2 रहेगा माइनस करवा देते हैं यहाँ पे 5 × (n) 1, ठीक है, 5 × (n) 3 में क्या करवाएंगे, इजी है 3 हमारा रहेगा ही और माइनस करवा देंगे 2 × करवा देंगे और किसमें 1 में करवा देंगे, बस हो जाएगा सिंपल। तो नाउ देखिए कैसे हो रही है, 2 रहेगा -5 1, तो चलिए सेकेंड को लिखते हैं क्या, 5x - y - 2z और माइनस यहाँ पे 5 होगा क्या है, यहाँ पे x - 3y - z दिस इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 142 माइनस यहाँ पे 5 × क्या है 30 और माइनस यहाँ पे भी है -30 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सिंपल।
ठीक है। नाउ देखिए, अब ये हमारा तो 5x हो गया, माइनस वाई है, माइनस 2z है, इसको ब्रैकेट के बाहर करते हैं और 5 मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 15y, माइनस माइनस प्लस 5z, और यहाँ पे तो हमारा 142 है ही, प्लस यहाँ पे 150 हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब क्या करेंगे, देखिए ये तो हमारा कैंसिल आउट हो गया है, यही तो हमें कैंसिल आउट करनी थी, बट यहाँ पे वाई वाला टर्म जो है वो हमारा 14y बचेगा। देखिए माइनस वाई 15y, 14y एंड जेड देख रहे हैं तो प्लस यहाँ पे 3z बच रहा है ना, 5z और माइनस 2z 3z, और हमारा यहाँ पे एडिशन ही है तो ये हमारा 2 होगा, 5 4 9 एंड यहाँ पे 2 292 हो जाएगा, तो मतलब ये वाला हमारा इक्वेशन निकल के आएगा, ठीक है। नाउ एंड हमारा ये जो थर्ड वाला ऑपरेशन है, थर्ड वाले भी ऑपरेशन कर लेते हैं इसको, चलिए हम इसे इरेज करते हैं, ओके। देखिए हम बार बार बोलते हैं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ऐसा कुछ है जो आपको इसमें मिलेगा, ठीक है। और हम तो पेपर 8 भी करवा रहे हैं, 9 भी करवा रहे हैं, 10 भी करवा रहे हैं, 9 तो लाइव करवाते ही हैं सुबह, 10 भी करवाए हुए हैं, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। और ये नहीं कि सिर्फ सेमेस्टर 4 में काम देगा, सेमेस्टर 6 तक आप लोगों को काम देगा, और आप लोग जो भी जूनियर है उनको भी बता सकते हैं, वो लोग भी ज्वाइन हो सकते हैं इजीली, और ट्यूशन भी करवाते हैं तो ट्यूशन भी आप लोग कर सकते हैं। माइनस यहाँ पे क्या था, 2 और हमारा 1, ठीक है। तो देखिए जो 3 इक्वेशन मीन्स जो इक्वेशन थर्ड हमारा था वो क्या था, 2x माइनस वाई माइनस 3z, यही था क्या थर्ड इक्वेशन, एंड माइनस 2, और यहाँ पे है फर्स्ट इक्वेशन x माइनस 3y माइनस z, दिस वन, ओके। एंड यहाँ पे जो है इसके जो इक्वल था वो क्या था हमारा 5, दिस इज 5 एंड माइनस यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा, और फिर क्या था यहाँ पे फर्स्ट वाले माइनस 30 था, है ना, तो माइनस 30 तो मल्टीप्लाई विथ 30, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। नाउ देखिए 2x माइनस वाई माइनस 3z माइनस 2x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6y प्लस 2z, और ये 5 प्लस यहाँ पे 60 हो गया, ठीक है। नाउ ये तो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, वाई एंड 6y, 5y बचेगा, जेड में हमारा माइनस जेड बचेगा, एंड यहाँ पे हो जाएगा 65, ठीक है। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन के आ जाती है, देन द न्यू सिस्टम बिकम्स क्या हो जाता है, देखें न्यू सिस्टम जो होगी वो फर्स्ट वाला तो एज इट इज वैसा ही रहेगा, सेकेंड वाले में हमारा और थर्ड वाले में चेंजेस हो जाएंगे, वहां से x हमारा हट जाएगा, सिस्टम बिकम्स एक्स माइनस 3y माइनस जेड इक्वल टू क्या है, माइनस 30, ठीक है। अब यहाँ से देखिए माइनस बोल रहे 14 है हमारा, 14y प्लस 3z दिस इज इक्वल टू 292, दिस वन, एंड हमारा यहाँ पे 5y माइनस जेड दिस इज इक्वल टू 65। तो देखिए यहाँ पे हमारा थोड़ा सा दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे किस तरीके से हो रही है, कैसे ये तो कैंसिल आउट हो ही नहीं सकता यहाँ से 5, बट होगा। तो 3 तक था इक्वेशन, हम इसे इक्वेशन 4 करते हैं, इसे इक्वेशन 5 करते हैं, इसे इक्वेशन 6 कर देते हैं, ठीक है। देन देखिए अब हम क्या ऑपरेशन करेंगे, यहाँ से एलिमिनेट करनी है ना, वाई को यहाँ से एलिमिनेट करनी है, तो लिखेंगे यहाँ पे अगेन एलिमिनेटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम कहाँ से, 6 से, यहाँ इक्वेशन जो 6 है उससे हम लोग एलिमिनेट करेंगे by performing, क्या परफॉर्म करवाते हैं देखिए, by performing जो इक्वेशन 6 है इसमें ऑपरेशन डालेंगे इक्वेशन 6 और मल्टीप्लाई विथ क्या 14 डाल देते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई विथ 14। देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है कि हम क्या कर दें मल्टीप्लाई, इसमें क्या करें, इसमें क्या करें मल्टीप्लाई जो ये हमारा मतलब कैंसिल आउट हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, 14 अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें क्या करेंगे ना हम 5 मल्टीप्लाई कर देंगे उल्टा, ठीक है, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 14 मल्टीप्लाई कर देते हैं और माइनस करवा देते हैं, देखिएगा हमारा ये कैंसिल आउट हो जाएगा इजीली, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन 6 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 14 माइनस ये जो इक्वेशन 5 है इसमें मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 5,
दिस वन, ये हम ऑपरेशन डाल देते हैं तो हमारा यहाँ से वाई हमारा इरेज हो जाएगा। देखिए कैसे, नाउ क्या करेंगे कि इक्वेशन सिक्स जो है, इक्वेशन सिक्स मल्टीप्लाई विथ 14 माइनस इक्वेशन फाइव मल्टीप्लाई विथ 5, ओके देन तो इक्वेशन सिक्स हमारा क्या है, 5y माइनस जेड, और इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्या, 14, दिस इज 14, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, इक्वेशन 5 के साथ 5 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये 14y प्लस 3z, और इधर जो होगा इधर भी मल्टीप्लाई होगा, जब लेफ्ट में हुआ है तो राइट साइड में भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, दिस वन यहाँ पे 14 मल्टीप्लाई था 65 मल्टीप्लाई एंड माइनस है 5 मल्टीप्लाई विथ 292। तो देखिए यहाँ से थोड़ी सी दिक्कत होगी, कैलकुलेटर अलाउ रहेगा, ठीक है, पेपर 8 में कैलकुलेटर अलाउ है, ओके देन तो यहाँ से थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं, 14 मल्टीप्लाई विथ 5, ठीक है, एंड तो देखिए यहाँ पे 14 मल्टीप्लाई विथ 5 तो इसको डायरेक्टली यहाँ कैंसिल आउट कर सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ये डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, ये दिस वन एंड दिस वन, या तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 5 4 20, ठीक है, और 2 5 7 70 हो जाएगा बस, और y हो जाएगा, और यहाँ पे करेंगे तो माइनस 14 z, और यहाँ पे माइनस क्या होगा, 70 y होगा, ठीक है, और यहाँ पे हमारा फिर से क्या होगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे 3 था ना, तो ये हमारा 15 z हो जा रहा है, ठीक है, और दिस इज इक्वल टू, ये हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आ रहा है 910, और ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1460 आ रहा है, ठीक है, अब मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, ठीक है, अब वैसे कैलकुलेटर रहेगा तो इजीली तुरंत मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, सॉरी, ठीक है। देन देखिए उसके बाद फिर क्या करना है, यहाँ से ये तो कैंसिल आउट होगा, दिस वन कैंसिल आउट, और बच रहा है हमारे पास क्या, देख सकते हैं, हम इरेज कर रहे हैं, माइनस 14 क्या है हमारा जेड, ठीक है, माइनस 14 z बच रहा है, माइनस 14 z और माइनस 15 z, तो दोनों माइनस में, हाँ सॉरी, दोनों माइनस में ही है, तो 14 और 15 कितना हो गया हमारा, 29 डायरेक्टली लिख दीजिए, ठीक है, माइनस 29 z, क्योंकि दोनों नेगेटिव में है तो वो हमारा एडिंग हो जाएगा। उसके बाद इधर जो है वो हमारा क्या, 910 जो है हम उसमें माइनस कर देते हैं, तो कितना बचेगा, दिस इज माइनस में ही बचेगा, और वो भी होगा 550, ठीक है, तो माइनस माइनस हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, देन 29 z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 550 हो जाएगा, ठीक है। देन यहाँ से जेड का वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, गॉस एलिमिनेशन मेथड था, एलिमिनेट कर दिए, और पीछे से हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज निकाल लेंगे, ठीक है। तो देख पा रहे हैं यहाँ इक्वेशन सिक्स तो हुआ था, इसे इक्वेशन सेवन कर सकते हैं, देन फ्रॉम इक्वेशन सेवन से हमारे पास वैल्यू आ जाएगा, इसे इक्वेशन सेवन कर लीजिए, ठीक है। देन देखिए फ्रॉम इक्वेशन सेवन वी हैव क्या होगा, यहाँ से देख पा रहे हैं 29 z, दिस इज इक्वल टू 550 है, तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 550 बाई में यहाँ पे 29 इधर जाता है ना, तो बाई में हमारा 29 हो गया, देखिए इस तरीके से कुछ यहाँ पे रेस कर दे रहे हैं, ठीक है, तो ये बाई में 29 हो गया, 29 से जब इसको डिवाइड देंगे तो डिवाइड देने में थोड़ा डिफिकल्ट है, कैलकुलेटर निकालिए, तुरंत से डिवाइड कीजिए, ठीक है, तो जो इसका रिजल्ट आएगा वो आएगा 18.96 आएगा रिजल्ट, तो जेड का वैल्यू जो है वो 18.96 रिजल्ट आ रहा है, तो पॉइंट में आ रही रिजल्ट, तो नो प्रॉब्लम, पॉइंट में ही लिखनी है इसकी आंसर, ओके। देन पुट द वैल्यू ऑफ, या पुटिंग द वैल्यू जेड इन किस में, इक्वेशन 5 में, वी गेट क्या मिलेगा, इक्वेशन 5 जो हमारा था वो क्या था, 14y था प्लस यहाँ पे 3z था ना, तो 3 मल्टीप्लाई विथ 18.96 दिस इज इक्वल टू 292, ये था हमारा रिजल्ट, ठीक है। देन तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये 14y होगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है हमारा 56.88 दिस इज इक्वल टू 292। देन देखिए यहाँ पे 14y है ही, 292 में माइनस कर देंगे 56.88, ओके,
देन ये हमारा 14y हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है 235.12, ठीक है। देन ये जो होगा वाई का वैल्यू निकलेगा, वाई इक्वल टू, इससे इसको डिवाइड करेंगे, 235.12 डिवाइड बाई 14, जो कि इसका रिजल्ट आने वाला है 16.79, ठीक है। तो 16.79 रिजल्ट आ गया वाई का। एंड अब हमारा आता है एक्स का वैल्यू क्या आता है वो देखिए, ओके। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ जेड एंड वाई, या वाई या जेड बोलिए, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई एंड जेड इन इक्वेशन, किस में, इन इक्वेशन 4 में, वी गेट, हमें क्या मिलेगा। तो इक्वेशन 4 जो हमारा था वो क्या था, x था माइनस 3y था, y मतलब क्या हुआ 16.79, उसके बाद क्या था माइनस z ना, तो माइनस जो है वो हमारा z का जो वैल्यू था वो हमारा 18.96, दिस इज इक्वल टू, वहां पे इक्वल टू कितना था माइनस 30, माइनस 30 दिस वन, ओके। नाउ तो देखिए x का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा x, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यूज आएंगी तो हम डायरेक्टली उधर लिखें, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे जो है वो माइनस 30 है, ये जो जाएगा उधर तो क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव में हो जाएगा, तो प्लस हमारा क्या हो जाएगा 18.96, और ये भी जो है माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों को तो आ रहा है हमारा 50.37, ठीक है। देन x इक्वल टू, तो दोनों को ऐड कर देते हैं, ये माइनस 30 ही रहेगा, प्लस यहाँ पे 69.33, एंड जब माइनस करेंगे तो रिजल्ट आएगा 39.33। तो देख पा रहे हैं x, y, z का वैल्यू फाइनली हमारे पास आ चुका है, जो कि हमें यही निकालना था, है ना, क्योंकि हमारा यही था रिजल्ट, ठीक है। तो ये हमारा निकल गया, हो गया, ओके। तो बोल सकते हैं हैंस The value of x equal to 39.33, y की जो value है 16.79, and z की जो value है 18.96, this is the answer। और यहाँ तक रुक गए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा ही जाइएगा।